हे दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉफिक हेल्थ री। हेयर प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं आज के समय में, बहुत ज़्यादा। अक्सर कम समय में आप देखते होंगे लोग टकले हो जा रहे हैं, बाल इतने झड़ जा रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूं यार। कुछ बचपन में की गई गलतियों की वजह से ऐसा हो रहा है और कुछ आपके खान पान पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन दोस्त, सवाल हमारा ये है कि हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है। तो हाय दोस्त, मैं हूँ दिनेश। आज मैं इसमें बात करूँगा यार कि आपके बालों के लिए सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है। आप मार्केट में जाते होंगे, तरह तरह के नुस्खे, तरह तरह के रेमडी, तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के मेडिसिन, तरह तरह के ऑयल्स के सुझाव आपको दिए जाते होंगे। यानी कि आप जैसा जिससे राय लेते हैं, जैसा जिससे आप पूछताछ करते हैं, लोग तरह तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त। लेकिन कन्फ्यूजन तब होता है कि अच्छा कौन सा पड़ेगा। मन में ये चलता है, ये फीलिंग्स जरूर आता है कि यार अच्छा कौन सा पड़ेगा। मैं दोस्त आप अपने ऊपर बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप उस व्यक्ति को देख लो या उन्हें देख लो फिर वैसा करना, बिल्कुल नहीं। मेरे हेयर जैसे हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। थोड़ा हेयर के बहुत शौकीन नहीं हूँ बालों का कि यहाँ से कटवा लिया, यहाँ से कटवा लिया, बीच में खूब अच्छे से रखा, ऐसे कुछ शौक नहीं हमारे। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा शौक दो है, मेरे बाल कभी भी जल्दी सफ़ेद नहीं होने चाहिए, बाल झड़ने नहीं चाहिए। तो वो दोनों चीज आप देख सकते हैं, हूबहू आपके सामने एक भी बाल आपको सफेद नहीं मिलेंगे, ना मेरे बाल झड़ रहे हैं। लाइव प्रूफ आपको करके दिखा देता हूं दोस्त, खींच करके आप देख सकते हैं कि क्या एक भी बाल झड़ा है। बिल्कुल नहीं दोस्त, एक भी बाल आप नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब सीधा है, तो मैं ऑयल कौन सा यूज करता हूं ये जरूरी नहीं है, खान पान पर तो डिपेंड कर रहा है। आपके हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, आपकी बॉडी, आपका वेट गेन, आपका वेट लूज, हर चीज़ खान पान पर डिपेंड करता है, इसमें कोई बात नहीं है। आपके शरीर की स्टेमिना, आपका पावर, हर चीज़, शरीर का ए टू जेड पार्ट्स यानी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, हर चीज़ आपके खान पान पर डिपेंड करता है। कितना? कम से कम 85% आपके खान पान पर डिपेंड करता है ये चीज़ें, कि आपका शरीर का ग्रोथ कैसा जाएगा, हेयर ग्रोथ कैसा जाएगा, बियर्ड ग्रोथ कैसा जाएगा, आँख की रोशनी कैसी जाएगी, वेट गेन कैसा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है। तो वेस्ट ऑयल की बात करें दोस्त, तो वेस्ट ऑयल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ मैं उसके लिए बताऊँगा मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो इसको एक बार ज़रूर आप यूज करके देखिएगा, हो सकता है कि आपके लिए भी वेस्ट ऑयल बन सकता है। तो वो कोई दूसरा तेल नहीं या दूसरा ऑयल नहीं, वो है सरसों का तेल ओरिजिनल। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, तेल एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। मैं हकीकत में बता रहा हूं दोस्त, पैसे हैं, मिलता है, मैं 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये का ऑयल यूज कर सकता हूं बालों के लिए। बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, मेरे बाल झड़ना बहुत शुरू हो गए थे, मैं बहुत परेशान हो गया था, कहीं कहीं तो बाल मेरे सफ़ेद होना भी शुरू हो गए थे। तो यार मैं जानते हैं, मैं किसी तेल का नाम, किसी ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, मुझे बदनाम करने का किसी का शौक नहीं है कि मैं ये ऑयल यूज करता था, उसको यूज करता था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर मेरे दिमाग में सोल्यूशंस आया, सरसों का ऑयल बेहतरीन होगा, सरसों के तेल को यूज करें। पहले के अक्सर यही सब चीजें करते थे। कहने का मतलब सीधा, मैं जितने सारी चीजें यूज करता हूं, मैं पुराने ख्यालातों के लोगों से जुड़ के यूज करता हूं, यूज करने वाली चीजें, खान पान वाली चीजें। अगर वो चीजें मिले तो आज शायद मैं वही चीजें खाऊंगा भी, क्योंकि पहले की अपेक्षा आज के समय में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑयल है सरसों ऑयल, चाहे आप मार्केट में ओरिजिनल सरसों का ऑयल जो भी मिलता है किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, लेकिन ओरिजिनल ही होना चाहिए दोस्त, तो ही काम करेगा। मेरे घर पे सरसों, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, विलेज से बिलोंग करता हूं, हम लोगों के खेत में सरसों निकलता है, उसको हम लोग मशीन में डलवा के तेल निकलवा लेते हैं और उसी तेल का यूज करते हैं। बहुत बेनिफिट्स करता है, आपके बाल बहुत काले हो जाएंगे, आपके बाल घने हो जाएंगे, कभी बाल टूटेगा नहीं, आपके हेयर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है यार इसमें। मेरे लिए बेस्ट ऑयल है, आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए भी बेस्ट ऑयल बने तो आप इसको यूज जरूर कीजिएगा। मैं किसी कंपनी का यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ कि इस कंपनी का ले लीजिएगा तो मज़े आ जाएंगे, उसमें सरसों ऑयल होना चाहिए, चाहे जिसका भी किसी भी कंपनी का आपके घर पर मिल सकता है तो घर पर ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है ये। कुछ भी खर्चा नहीं है, बहुत कुछ नहीं है दोस्त, आप कर सकते हैं, आपके सारे हेयर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। मेरे लिए जो है मैं वो शेयर किया हूँ, बाकी आपके लिए जो परफेक्ट हो आप उसे यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्त, उनके बाल सफ़ेद होते हैं या काले नहीं हो रहे हैं, बाल झड़ते हैं, तो प्याज का रस यूज करते हैं, परफेक्ट। वो भी अगर वही काम आपको कर रहा है तो आपका प्याज का रस यूज कीजिए, क्योंकि बहुत माइंड ब्लोइंग्स बेनिफिट्स आते हैं प्याज के रस के।
चलिए दोस्त, अगर आपको वीडियो यहाँ तक आपने देखा है, वीडियो स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझ में आ गई है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं आपको इस तरीके से अच्छी अच्छी टिप्स मिले, अच्छी अच्छी जानकारी मिले, तो वीडियो पर लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में लाइक की घंटी होगी, इसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गुड लक, वंदे मातरम।